होगी। पूरे देश के सभी नेताओं का नाम आलाकमान के पास तो उपलब्ध नहीं होता, स्टेट से भेजा जाता है और भेजे जाने और सिलेक्शन प्रोसेस को इलेक्शन बॉडी की मीटिंग का नाम दिया जाता है कांग्रेस में, तो उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इसमें अखिलेश सिंह बेहद महत्वपूर्ण है चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है। अखिलेश सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस फ्लेक्सिबल है और कांग्रेस नहीं चाहती है कि गठबंधन के अंदर कोई रिफ्ट पैदा हो, कोई दरार पैदा हो, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस फ्लेक्सिबल है। लेकिन अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस अगर फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या डबल डिजिट की होती है या सिंगल डिजिट में कांग्रेस संतोष कर जाती है। कांग्रेस पिछले बार डबल डिजिट में थी और इस बार फ्लेक्सिबल होके सिंगल डिजिट में चली जाती है तो बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि फिर कांग्रेस अलग अलग अलायंस को कैसे संतुष्ट करेगी जो महागठबंधन के अंदर है। तो अब तमाम चीजें एक से डेढ़ घंटे के अंदर साफ हो जाएंगी। कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक बयान अखिलेश सिंह ने दिया है और भी बयान आने हैं। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग का ब्रीफ मैंने बता दिया है और वो नाम भी क्लियर कर दिया अपने दर्शकों को जो संभावित नाम है जिनकी सूची कुछ देर में कुछ घंटे बाद ऑफिशियली जारी हो जाएगी। ठीक है स्वप्निल जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल स्थिति यह है कि एक तरफ बीजेपी कोटे से मंत्रियों की बैठक हुई, उन्हें जो निर्देश जारी किए गए लोकसभा चुनाव को लेकर कि आप जनता से जुड़े हित को लेकर किस तरीके से काम करें, चूंकि आज जब इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करेगा उसके कुछ ही देर के बाद आचार संहिता जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो उस दौरान आप कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। और यही वजह कि कल कैबिनेट की बैठक भी हुई और अभी फिलहाल कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक सदाकत आश्रम में चल रही है और इसी बीच खबर यह आई कि सीएम नीतीश और सम्राट चौधरी जो उनके पास कौन से विभाग है। अच्छा स्वप्निल हमारे साथ बने हुए हैं। स्वप्निल, विभागों के बंटवारे पर जो फिलहाल खबर आई है उसको लेकर किस तरीके से देखें, नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन विभाग। देखिए राहुल, सवाल आपने बड़ा बढ़िया पूछा है। देखिए सीएम जो होता है, होते हैं ना किसी भी राज्य के सीएम, ये चाहते हैं किसी भी राज्य के सीएम, बिहार की बात नहीं कर रहा, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो तो वो चाहते हैं कि सामान्य प्रशासन और गृह उनके पास हो। इस दोनों के होने का मतलब है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी आपके पास है। सामान्य प्रशासन के अंदर स्टेट सर्विस, स्टेट राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, और गृह विभाग के अंदर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं, यानी आईएएस आईपीएस बीपीएस जितने अधिकारी हैं वो सामान्य प्रशासन और गृह के अंदर आते हैं। और इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी जो है, किसी भी योजना को लागू करने वाली अथॉरिटी जो है राहुल, वो यही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी हैं। अगर आप समझिए और हमारे दर्शक समझे सीएम के पास गृह और सामान्य प्रशासन का मतलब क्या है। देखिए अगर मान लीजिए किसी मंत्री ने कोई ऑर्डर जारी कर दिया कि पटना में कोई फ्लाईओवर बनना है तो बनवाने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी के पास चली जाएगी, विभाग के प्रधान सचिव के पास चली जाएगी जो कि आईएएस अधिकारी है। बनाने की जिम्मेदारी उसके, उसको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी वहां के पुलिस, लोकल पुलिस अथॉरिटी को चली जाएगी उस योजना को, जो कि गृह विभाग के अंदर आता है। तो ऐसे पोजीशन में अगर आप ब्यूरोक्रेसी को अपने पास रखते हैं तो सारे विभाग आपके पास है। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हर विभाग का जो अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव जो होता है या सचिव जो होता है वो आईएएस अधिकारी होता है। आईएएस अधिकारी किसके कंट्रोल में है, सामान्य प्रशासन के, सामान्य प्रशासन सीएम के पास है। तो ऐसी स्थिति में सीएम की का दखल सभी विभागों में बना होता है और सीएम किसी भी राज्य का हो, केवल बिहार का नहीं, किसी भी देश का, देश के किसी भी हिस्से में सीएम हो तो वो यही चाहता है कि ब्यूरोक्रेसी पर उसकी पकड़ हो। इसी का नतीजा है कि सामान्य प्रशासन और गृह विभाग जो है वो नीतीश कुमार के पास खुद है। जो वित्त वाणिज्य कर विभाग साथ में होता है तो वो सम्राट चौधरी के पास है। और ये खबर मैंने आपको पहले भी बताई, अभी भी बताता हूँ कि महेश्वर हजारी का को लेकर के कहा जा रहा है कि आईपीआरडी का जिम्मा उनको मिलेगा, रत्नेश सदाव कहा जा रहा है एक्साइज मिलेगा, भवन निर्माण कहा जा रहा है जयंत राज को मिलेगा, सुनील कुमार को शिक्षा मिलेगा, मदन साहनी को समाज कल्याण मिलेगा, लेसी सिंह को खाद्य आपूर्ति मिलेगा। ये नाम है, संभावित नाम है, जो संभावित विभाग हैं इनको मिलना है। अब चिट्ठी निकलेगी तो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब विभाग बटक जाएंगे, कुछ घंटे में चिट्ठी आ जाएगी। देखिए एक चीज़ और मैं मिस कर रहा था, अपने दर्शकों को शेयर कर दूं, आपने जो सवाल पूछा था उससे, आप अभी से 10 दिन का आंकड़ा निकाल लें, 10 दिन का, आज से 10 दिन का, 71, 100, 20, 50 ऐसे ट्रांसफर्स हुए हैं, ऐसे ट्रांसफर्स हुए हैं। राहुल आपने भी कई सारे न्यूज पढ़े होंगे, जो आपने पढ़े होंगे कि बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 71 डीएसपी बदले गए, 20 आईएएस बदले गए। तो ये सारा जो मैसारी, जो मैपिंग है ना, ये चुनाव के पहले कर ली जाती है। इसकी वजह ये है, बिल्कुल माफ करिएगा, इसकी वजह ये है कि चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो इसमें एक अफसर होता है जिसको कहते हैं आरओ, रिटर्निंग अफसर। रिटर्निंग अफसर के ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है लोकसभा चुनाव में। तो रिटर्निंग अफसर होते हैं कलेक्टर, डीएम,
तो सभी जगह ये जो प्रशासनिक जाल है ना वो हर राज्य की सरकार अपने हिसाब से बिछा लेती है चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले, तो उसका नतीजा था कि ये बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग्स बिहार के अंदर देखने को मिले हैं या अमूमन सभी राज्य में हुए होंगे। जब भी आचार संहिता आनी है उससे पहले सभी जगह मैपिंग कर ली जाती है। तो जो बिहार में राहुल आपने भी खबर पढ़ी, हम लोगों ने भी दिखाई कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो गया पुलिस के अंदर प्रशासन के अंदर, तो उसका ये सिंबल है कि अपनी मैपिंग हो रही है, चुनाव सामने है, आचार संहिता के पहले तमाम चीजें कर ली जा रही हैं। मैंने विभागों के भी नाम आपको बता दिए किनको क्या क्या मिलना है और तमाम विभागों की सूची जो है वो एक से डेढ़ घंटे के अंदर सामान्य प्रशासन विभाग ऑफिशियली जारी कर देगा। ठीक है स्वप्निल, कांग्रेस की बैठक पे लौटते हैं, चूंकि आपने भी बताया कि ये जो कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक हो रही है इसमें कुछ नाम है जो संभावित नाम होंगे वो तय किए जाएंगे और फिर वो भेजे जाएंगे आला कमान के पास, तो इस बैठक को लेकर और किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? देखिए बैठक को लेकर के जानकारी ये है कि कांग्रेस अपना पर्यवेक्षक भी भेजती है। कांग्रेस में पर्यवेक्षक का एक कल्चर होता है जिसको ऑब्जर्वर कहते हैं। जब अभी क्राइसिस चल रहा था बिहार के अंदर, पॉलिटिकल क्राइसिस की स्थिति बनी हुई थी, विधायक टूटने की बात हो रही थी, कुछ विधायक पाला बदल रहे थे, कुछ जुड़ रहे थे, कुछ निकल रहे थे, उस समय सपल कांग्रेस के ऑब्जर्वर होकर दिल्ली से बिहार भेजे गए थे। ठीक उसी तरह से जब इलेक्शन बॉडी की मीटिंग होती है कांग्रेस की तो कोई ना कोई ऑब्जर्वर आता है, वो वहाँ मौजूद होता है प्रदेश अध्यक्ष के साथ और वहाँ से जो जितनी सूची निकलती है उसको लेके वो आला कमान के पास चला जाता है। आला कमान खड़गे को कह लीजिए, सोनिया गांधी को कह लीजिए, राहुल गांधी को कह लीजिए और वहाँ जो कांग्रेस की पूरी टीम है उसको कह लीजिए, दिल्ली में जो बैठती है तो वहाँ चला जाता है। तो अभी खबर ये है कि कांग्रेस कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर चाहती है कि बात हो, जिसमें कांग्रेस ये चाहती है कि भागलपुर सीट उसको जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास ऑलरेडी एक सीट बची हुई है। पिछले अगर चुनाव की बात करें केवल एक सीट है किशनगंज की। कांग्रेस चाहती ही है, मैं अंदर खाने की बात बता रहा हूँ, कांग्रेस चाहती ही है कि जो भागलपुर से अररिया तक का बेल्ट है जिसको कह सकते हैं सीमांचल का इलाका है, भागलपुर हालांकि सीमांचल में नहीं आता है लेकिन भागलपुर से काउंट शुरू कीजिए, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, ये जो जिले हैं कांग्रेस ये चाहती है ये तमाम जो जिले हैं उसमें उसका प्रेजेंस हो। बिल्कुल स्वप्निल जी, आप अगर हम अभी इस पे आए कैबिनेट को लेकर के जो बंटवारा हो रहा है, आपने भी बताया बहुत विस्तार से कि क्यों सामान्य प्रशासन और गृह विभाग जरूरी होता है और क्यों सीएम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि ये विभाग उनके पास ही हो, और भी जो आपने कुछ नाम गिनाए हालांकि लिस्ट एक डेढ़ घंटे में आ जाएगी सामने, लेकिन जो अंदर खाने की खबर मिल रही है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, तो इसके पीछे क्या रणनीति रही है, किस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ अगर हम ओवरऑल बात करें तो? बिल्कुल देखिए, विभागों के बंटवारे में दो तीन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा गया जो मैं कल से कह रहा था। पहला तो मंत्री बनाने में ही ध्यान रखा गया कि सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है वो 100% इम्प्लीमेंट हो जाए, उसको किया गया। मैं कल भी इस बात को कह रहा था और उसका जो मैं कह रहा था 2 बजे की चैट में वो शाम को क्लियर हो गया, हूबहू साबित हुआ कि जो जातीय जनगणना हुई है उसका रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब दिखेगा और वो दिखा जब कैबिनेट बनी। अब आइए विभागों का बंटवारा, विभागों के बंटवारे में इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसको कौन सा विभाग चलाने का अनुभव है। माना जाता है कि सुनील कुमार जो स्वप्निल जी देखिए लिस्ट भी आ गई है, आप भी बता रहे थे कि कुछ देर में लिस्ट सामने आएगी, तो लिस्ट भी आ गई है किसे कौन सा विभाग मिला है वो सामने आ गया। रेणु देवी की बात करें या तमाम जो मंत्री हैं उनके पास कौन सा विभाग है वो जो जानकारी है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं लगातार, तो जो आप कह रहे थे बार बार कि थोड़ी ही देर में अब ये क्लियर हो जाएगा, तो लिस्ट आ गया और काफी संभावित जो आपने नाम गिनाए थे वही सब कुछ है इस लिस्ट में। चलिए लिस्ट बता दीजिए राहुल एक बार सब। मैं एक बार सबको लिस्ट बता देता हूं, हमें प्लेट में भी चला रहे हैं किसके पास कौन सा लिस्ट है। तो सम्राट चौधरी के पास वित्त वाणिज्य और कर विभाग है, इसी तरह अगर बात करें विजय कुमार के पास तो विजय सिन्हा के पास पथ निर्माण और खान एवं भूतत्व विभाग है। अगर हम विजय कुमार चौधरी की बात करें तो जल संसाधन विभाग उनके पास है। इसी तरीके से तमाम अन्य मंत्रियों की बात करें, बिजेंद्र प्रसाद यादव की बात करें तो ऊर्जा योजना एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उनके पास है। डॉक्टर प्रेम कुमार की बात करें तो सहकारिता पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इनके पास है। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये तमाम जो मंत्री हैं, संतोष कुमार सुमन की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। सुमित कुमार सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रेणु देवी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया है। तो तमाम
जो मंत्री हैं उनके बीच विभागों का बंटवारा हो गया। एक बार फिर से आपको बता दें, सीएम नीतीश के पास सामान्य प्रशासन गृह विभाग है। सम्राट चौधरी की बात करें जो डिप्टी सीएम भी हैं, तो उनके पास वित्त वाणिज्य और कर विभाग है। इनके अलावा बात करें विजय कुमार सिन्हा की जो डिप्टी सीएम है, तो पथ निर्माण विभाग उनके पास है, खान एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी भी उनके पास है। विजय चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग का जिम्मा दिया गया है। विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा योजना एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर प्रेम कुमार सहकारिता पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। श्रवण कुमार के जिम्मे है ग्रामीण विकास विभाग। तो तमाम जो मंत्री हैं, जो कुछ लिस्ट में नाम सामने आए हैं, संतोष कुमार सुमन की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी लघु जल संसाधन विभाग इनके पास है। सुमित कुमार सिंह को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है। तो स्वप्निल जी, ये जो तमाम लिस्ट में नाम है वो हमने दर्शकों तक पहुंचा दी, तो क्या कुछ रणनीति है इसके पीछे? इसके पीछे सीधी रणनीति है कि जो भी विभाग दिए गए हैं उनको उनके अनुभवों के आधार पर दिए गए हैं। ये देखा गया है कि किस मंत्री को कितना अनुभव है, किस विधायक को कितना अनुभव है चलाने का। ऊर्जा लंबे समय से बिजेंद्र यादव चला रहे हैं, बिजेंद्र यादव को ऊर्जा मिल गया। देखिए वाणिज्य कर के साथ वाणिज्य कर टैक्सेस जो होता है वो सम्राट के पास है, सम्राट चौधरी के पास, सीएम के पास हम लगातार बता ही रहे हैं, सामान्य प्रशासन और गृह है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आईपीआरडी जो है वो अभी तक के जानकारी के मुताबिक महेश्वर हजारी के पास है, और अगर कोई बड़ा चेंज नहीं होता है तो उनके पास ये कंटिन्यू करेगा, जो इंटरनल सोर्सेज की खबर है। देखिए जी बिहार राहुल तब खबर नहीं दिखाता जब खबरें लिस्ट में जारी हो जाती हैं, जब पत्र जारी हो जाता है। हम तब दिखाने में यकीन करते हैं जब पत्र जारी ना हो, डेट इज न्यूज, और विथ एकदम ऑथेंटिक सोर्सों से दिखाते हैं। और यही ऑथेंटिक सोर्स ये बता रहे हैं कि और भी नाम जो है वो जल्द आ जाएंगे। हालांकि जब बंटवारा हुआ है तो ये भी खबर आ रही है कि एकाध दो जो चेहरे हैं उनका चेहरा बहुत खिला नहीं है, उनको लग रहा था कि उनका अनुभव ज्यादा है, नाम कोट अभी नहीं करूंगा, उनका अनुभव ज्यादा है और उनको काम कम मिल गया, उनको विभाग उस दर्जे का नहीं मिला। ऐसी खबरें धीरे धीरे आएंगी, लेकिन ये ध्यान रखा गया राहुल कि सीधे तौर पर जिसको जितना अनुभव है उस आधार पर उसको वो विभाग सौंपा गया है। ठीक है स्वप्निल जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जो लिस्ट सामने आई है किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है वो हमने आप तक पहुंचा दी। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के पास एक बार फिर से प्रशासन और गृह विभाग है, और जो वित्त मंत्री जो बने हैं वो सम्राट चौधरी के जिम्मे हैं, उन्हें वित्त विभाग वाणिज्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जो लिस्ट सामने आई वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये वही लिस्ट है। सुरेंद्र मेहता को खेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, संतोष कुमार सिंह को श्रम संसाधन का जिम्मा दिया गया है, केदार प्रसाद गुप्ता को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये तमाम नाम नीतीश कैबिनेट से जुड़े जो मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट के, उनके बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जी बिहार झारखंड।